आज का एक विषय वस्तु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि एक अच्छा इंजीनियर का पहचान क्या होता है, एक अच्छा इंजीनियर की खूबियाँ क्या क्या होती है, द रियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंजीनियर आज का हमारा टॉपिक रहेगा। व्हाट इज द रियल इंजीनियर, एक सच्चा इंजीनियर कौन है? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, इंजीनियर जो है भविष्य का निर्माण करता है, और जो भविष्य का निर्माण करता है उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है उसमें कुछ कैरेक्टर, कुछ स्पेशल क्वालिटी होना चाहिए, तभी वो अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकता है। क्योंकि इंजीनियर्स बिल्ड अप फ्यूचर, ब्रह्मा जो है हमारे इष्ट देव, वो सृष्टि की रचना करते हैं, पूरे जगत का निर्माण करता वही है, रचयिता है वो। उसी तरह हमारे इंजीनियर्स जो हैं, इंजीनियर जो होता है वो भविष्य की रचना करता है। तो एक इंजीनियर की क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए ताकि अपने कर्तव्य और ड्यूटी को सही ढंग से वो पालन कर सके, चलिए इस पॉइंट्स पर, कितने पॉइंट्स हैं, मैं 10 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि एक इंजीनियर में होना चाहिए। क्योंकि एक इंजीनियर जो होता है किसी भी सेक्टर में काम करता है और वो अफेक्ट करता है सोसाइटी और पीपल को, किसी सेक्टर में हो सकता है, किसी फील्ड में हो सकता है। तो जब उसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होना चाहिए, वो अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से समझने के लिए और उसको बेहतर तरीके से समझ सके कि एक रियल इंजीनियर का मतलब क्या होता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं 10 पॉइंट्स है जो एक इंजीनियर में होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जिस पर भविष्य की रचना करने की जिम्मेदारी है वो अच्छा ड्रीमर होता है। पहला जो पॉइंट है, एक इंजीनियर जो होता है एक अच्छा ड्रीमर होता है, अच्छा सपना देखने वाला होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि वो एक अच्छा इनोवेटर होता है, एक अच्छा इनोवेटर होता है जो नई नई चीजों को सर्च करता है और खोजता है। तीसरा पॉइंट वो है, वो अच्छा एक रिसर्चर होता है, रिसर्चर होता है, अनुसंधान करता होता है, शोध करता होता है, खोज करने वाला होता है। एक अच्छा इंजीनियर जो होता है क्या होता है, अच्छा खोज करने वाला होता है, अन्वेषक होता है। तो मैंने पहले पॉइंट में बताया कि एक अच्छा इंजीनियर पहला क्या होता है, एक ड्रीमर होता है, उस ड्रीमिंग करता है। दूसरा क्या होता है, इनोवेटर होता है। तीसरा जो क्या होता है, एक अच्छा रिसर्चर होता है। चौथा जो है, चौथा पॉइंट एक इंजीनियर के लिए क्या होता है जो उसको विशेष बनाता है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, जो प्रॉब्लम को अच्छा सॉल्यूशन देकर हल करता है, एक अच्छा सॉल्यूशन देता है, प्रॉब्लम को हल करता है। वो एक समस्या निवारक होता है, एक इंजीनियर जो होता है समस्या निवारक होता है। और पांचवा जो पॉइंट है वो क्रिएटर होता है, वो क्रिएटर होता है, क्रिएट करता है, निर्माण करता है, रचयिता करता है, वो सृष्टिकर्ता होता है किसी चीज का, या किसी चीज का वो जन्मदाता होता है। छठा क्वालिटीज ये होता है, छठा पॉइंट्स ये होता है, एक अच्छा वो इंजीनियर जो होता है एक अच्छा ऑर्गेनाइजर होता है, हर चीजों को उचित ढंग से, क्रम ढंग से व्यवस्थित करता है। वह एक अच्छा आयोजक होता है, एक अच्छा प्रबंध करने वाला होता है। तो ये छह जो हैं एक अच्छे इंजीनियर की पहचान होती हैं। सातवें पॉइंट पर आते हैं, सातवां जो पॉइंट है वो अच्छा कम्युनिकेटर्स होता है, वो अच्छी तरीके से बात करने में निपुण होता है। एक अच्छा इंजीनियर जो होता है अपने बात करने में, संचार करने में
संचारक होता है, अच्छा संचारक होता है, बात करने में माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है वो अपने कम्युनिकेट करने में, दूसरों से किसी से भी कम्युनिकेट करने में वो अच्छा अच्छा होता है, अच्छा कम्युनिकेटर होता है। और आठवां जो इसका पॉइंट्स है एक अच्छे इंजीनियर का, वो है कैलकुलेटर्स। इंजीनियर जो होता है, जो रियल इंजीनियर होता है, एक अच्छा कैलकुलेटर्स भी होता है, वो गणक होता है, हिसाब किताब सही तरीके से लगाता है और गणना भी सही तरीके से करता है। और नौवां जो पॉइंट है, नाइन्थ जो पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि एक इंजीनियर जो होता है डिजाइनर होता है, अच्छा डिजाइनर होता है, नक्शा बनाने वाला होता है। और दसवां जो पॉइंट्स है जो इंजीनियर को विशेष बनाता है, वो दसवां पॉइंट्स है कि उसमें एक इंजीनियर में लॉजिकल लॉजिकल डिसीजन मेकर होता है, लॉजिकल डिसीजन मेकर होता है या रेशनल थिंकर होता है, जो तर्कसंगत तार्किक निर्णय लेने में सक्षम होता है, जिसमें अच्छा विवेक होता है, जो अपने आप को सही ढंग से, अपने शब्दों को, अपने खुद को सही ढंग से प्रेजेंट कर देता है, समस्याओं पर अच्छा अपने डिसीजन देता है, वह एक अच्छा इंजीनियर की पहचान होती है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं। मैं एक बार और इसको समराइज कर देता हूँ कि एक अच्छा इंजीनियर होने के लिए, एक अच्छा रियल इंजीनियर होने के लिए, सबसे पहले आपको एक अच्छा ड्रीमर होना पड़ता है। एन इंजीनियर इज एन इंजीनियर इज ए ड्रीमर। एक अच्छा इंजीनियर जो होता है पहले ड्रीमर होता है, सपना देखने वाला होता है। एन इंजीनियर इज ए इनोवेटर, खोज करने वाला होता है एक इंजीनियर। इंजीनियर इज ए रिसर्चर होता है। इंजीनियर इज ए प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। एन इंजीनियर इज ए क्रिएटर, क्रिएट करने वाला होता है। एन इंजीनियर इज ए ऑर्गेनाइजर, और ऑर्गेनाइजर करने वाला होता है। एन इंजीनियर इज ए डिजाइनर। एन इंजीनियर इज ए कम्युनिकेटर। एज इंजीनियर इज ए कैलकुलेटर। एन इंजीनियर इज द लॉजिकल डिसीजन मेकर या रेशनल थिंकर। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट्स हैं, जिस में ये 10 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं और समझते हैं और एक्चुअल में रियल में वो एक इंजीनियर है और अपने इंजीनियर होने का वो प्रूफ दे रहे हैं समाज को, सोसाइटी को और अपने काम को।